हाय दोस्तों, मैं हूं प्रणय और टेक मैनेजर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे फेसबुक के पेज को फॉलो करते हैं तो आप सब तो जानते ही होंगे कि कल मेरा तबीयत इतना अच्छा था नहीं, इसलिए मैं कल कोई टेक न्यूज़ या फिर कोई भी वीडियो छोड़ नहीं पाया। तो मैंने अपने फेसबुक पेज में अपडेट कर दिया था, तो उम्मीद है कि आपने लाइक किया होगा, तो आप सबको जो है ये अपडेट मिल चुका होगा। तो दोस्तों, चलिए आज का ये डेली टेक न्यूज़ स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि मैंने आज अपने टेक न्यूज़ में क्या क्या नए नए न्यूज़ कलेक्ट किया है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले टेक न्यूज़ की बात करें तो ये आती है पैनासोनिक की तरफ से। तो पैनासोनिक ने अपना एल्यूगा जो सीरीज़ है, जो कि बहुत ही लंबा एक सीरीज़ है पैनासोनिक का, एल्यूगा रे, एल्यूगा मैक्स, बहुत सारे ही पैनासोनिक एल्यूगा फ़ोन्स है। तो इसने अपने दो नए एल्यूगा 500 और एल्यूगा 700 दो नए स्मार्टफोन्स लॉन्च कर दिए अपने एल्यूगा सीरीज़ में। तो अगर एल्यूगा 500 की बात करें, तो रे 500 की बात करें, तो इसकी जो प्राइसिंग है वो है 9000 रुपीज़, जो कि 8999 रुपीज़ इसकी प्राइसिंग है। और इसके अंदर आपको मिलेगा 5 इंच की एक HD डिस्प्ले, जो कि IPS LCD डिस्प्ले है, और उसके साथ आपको 1.2 GHz में क्लॉक स्पीड किया हुआ क्वाड कोर का एक मीडियाटेक MT6737 का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। उसके साथ 3 GB की रैम, 32 GB की इंटरनल स्टोरेज आती है, 4000 mAh की बैटरी, 13+8 MP का एक रियर डुअल फेसिंग कैमरा आपको देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, आपको 9000 रुपीज़ में रियर डुअल फेसिंग कैमरा आपको पैनासोनिक एल्यूगा रे 500 में देखने को मिल जाएगा। और उसके साथ 5 MP का एक फ्रंट फेसिंग कैमरा भी आपको इस पैनासोनिक एल्यूगा रे 500 में देखने को मिल जाएगा। और दूसरे फोन की बात करें, जो कि है एल्यूगा रे 700, उसके अंदर आपको जो प्राइसिंग होगी वो होगी 10000 रुपीज़, जो कि 9999 रुपीज़। उसके साथ आपको 5.5 इंच की एक फुल HD की डिस्प्ले मिलती है, 1.3 GHz में क्लॉक्ड किया हुआ एक ऑक्टा कोर मीडियाटेक MT6753 का प्रोसेसर मिलता है। जी हाँ, दोनों ही फोन में जो कि मीडियाटेक का प्रोसेसर आता है, जो कि रे 500 रे 700 जो भी आप खरीदे, आपको मीडियाटेक प्रोसेसर को झेलना होगा। और उसके साथ 3 GB की रैम, 32 GB की इंटरनल स्टोरेज आती है रे 700 में, 5000 mAh की बैटरी, जो कि इसकी हाइलाइटिंग फीचर है। पैनासोनिक एल्यूगा रे 500 में आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है, जो कि पैनासोनिक ने कंफर्म किया है कि ये इसकी हाइलाइटिंग फीचर होगी। और उसके साथ 13 पीछे और 13 सामने दो कैमराज आपको मिल जाती है। और ये जानना आपको ज़रूरी है कि पैनासोनिक एल्यूगा रे जो 700 है, उसमें आपको डुअल रियर कैमरा नहीं देखने को मिलेगा, इसमें सिंगल कैमरा ही देखने को मिलेगा। तो अगर आपको डुअल कैमरा चाहिए तो आपको रे 500, जिसका प्राइसिंग 9000 रुपीज़ है, उसको परचेस करना पड़ेगा। तो बहुत ही अजीब सी बात है कि जो लोअर वेरियंट है उसमें पैनासोनिक ने डुअल कैमरा प्रोवाइड किया है, लेकिन अपर वेरियंट में, जो कि हायर वेरियंट है रे 700, उसमें इसने डुअल फेसिंग कैमरा, डुअल रियर कैमरा प्रोवाइड नहीं किया है। तो बस जो है वो है। और दोनों ही जो फ़ोन्स है वो आपको फ्लिपकार्ट में आज से सेल में मिल जाएगा। तो आज ही इसने पैनासोनिक ने लॉन्च किया है, तो जाइए फ्लिपकार्ट में, और जो कि सेल भी चल रहा है फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डे, तो सेल का भी एंजॉय कीजिए, सेल का मज़ा भी उठाइए। और इन दोनों फोन्स में से अगर आप कोई किसी फोन को खरीदना चाहते हैं तो भी आप खरीद सकते हैं। दोस्तों, अगली टेक न्यूज़ की बात करें तो अगली टेक न्यूज़ आती है माइक्रोमैक्स की तरफ से। तो माइक्रोमैक्स का जो कैनवास इन्फिनिटी फ़ोन था वो तो काफ़ी पॉपुलर और फेमस हो गया था, और बहुत सारे लोगों ने इसको पसंद किया था। तो इसके बाद माइक्रोमैक्स HS3 नाम का एक जो कि कोडवर्ड के साथ एक फ़ोन, जो कि गीक बेंच में, जो कि GFX बेंचमार्क टेस्टिंग में लीक होकर सामने आई है। तो ये भी फ़ोन माइक्रोमैक्स कैनवास इन्फिनिटी की जैसा ही एक 18:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ जो कि डिस्प्ले लेके आएगा। और इसका डिस्प्ले जो है, इसकी हाइलाइटिंग फीचर नहीं है, क्योंकि माइक्रोमैक्स कैनवास इन्फिनिटी में तो इसका डिस्प्ले इसकी हाइलाइटिंग फीचर थी, लेकिन इस केस में जो कि माइक्रोमैक्स HS3 जो कि कोडवर्ड के साथ फ़ोन है, इसके अंदर भी इन्फिनिटी डिस्प्ले आएगा 18:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ, और इसकी जो साइज़ होगी वो होगी 5.1 की। तो जाहिर सी बात है कि डिस्प्ले इसकी हाइलाइटिंग फीचर नहीं है, हाइलाइटिंग फीचर इसकी कैमरा, जो कि इसके सामने आपको 20 मेगापिक्सल का एक फ्रंट फेसिंग सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा, जो कि माइक्रोमैक्स कैनवास इन्फिनिटी में तो आपको ये सब देखने को मिल जाएगा। उम्मीद है कि इसमें भी 20 मेगापिक्सल का कैमरा है, तो बोके इफेक्ट वगैरह भी अच्छे से मिल जाएगा, और 16 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है। तो ये कैमरा सेंट्रिक, एक सेल्फी सेंट्रिक फ़ोन है, तो उम्मीद है कि वीवो और ओप्पो इससे पीछे ही होंगे। तो इसके बाद अगर दूसरे स्पेसिफिकेशंस की बात करूँ, तो स्नैपड्रैगन का 430 या फिर स्नैपड्रैगन का 435 का प्रोसेसर, दोनों से कोई भी एक प्रोसेसर इसके अंदर हो सकता है, जो कि बेंचमार्किंग टेस्ट में लीक होकर सामने है, तो अभी भी श्योर है नहीं। और उसके अलावा 3 GB की रैम, 32 GB की इंटरनल स्टोरेज आपको इस फोन के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो यही है माइक्रोमैक्स का HS3।
तो क्या ये इन्फिनिटी 2 है या फिर कुछ और इसका नाम होगा, ये तो जब लॉन्च करेगी, कब लॉन्च होगी ये सब तो कुछ कंफर्म है नहीं, तो जब लॉन्च होगी तब हम देख लेंगे। तो दोस्तों अगली टेक्न्यूज की बात करें तो अगली टेक्न्यूज आते हैं अमेजोन की तरफ से। तो अमेजोन ने कुछ गूगल वॉइस असिस्टेंट और सीरी, जो कि एप्पल का अपना वॉइस असिस्टेंट है सीरी, इन दोनों वॉइस असिस्टेंट के साथ कम्पीट करने के लिए एक अमेजोन ने अपना एक अमेजोन एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट नाम का एक नए चीज़ जो है ये शायद अमेजोन इन्वेंट कर रही है या फिर रिसर्च कर रही है इसके बारे में। तो ये एक लीक होकर सामने आई है, इसका नाम है अमेजोन एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट। तो क्या ये जो वॉइस असिस्टेंट है ये हमें फ्यूचर के कुछ स्मार्टफोन्स में देखने को मिल जाएगा, ये तो अभी भी कंफर्म है नहीं, लेकिन लीक से पता चल रही है कि गूगल असिस्टेंट और सीरी को कम्पीट करने के लिए अमेजोन इसको जो ये एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट है इसको डेवलप कर रही है। तो इस ये क्या होगा कि ये कुछ नॉर्मल टाइप की वॉइस असिस्टेंट होगा नहीं, ये एक अलग टाइप का वॉइस असिस्टेंट होगा जो कि आपको जो कि स्मार्ट सनग्लासेस के साथ आएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर आप इस वॉइस असिस्टेंट को यूज़ करना चाहते हैं, तो पता नहीं कि आजकल कितने लोग वॉइस असिस्टेंट को यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आप इस अमेजोन के एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट को जब लॉन्च होगा अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं, तो आपको जो कि अमेजोन के सनग्लासेस स्मार्ट सनग्लासेस खरीदने पड़ेंगे, उसको आपको पहनना पड़ेगा जो कि पूरा ही ट्रांसपेरेंट होगा और देखने में नॉर्मल सनग्लासेस की तरह ही होगा, और उसको पहनने के बाद बस ऑन हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, फिर आप बात कीजिए, इसको कमांड कीजिए, ऑर्डर दीजिए, तो आपके फ़ोन में भी स्मार्टफोन में भी ये पेयर हो जाएगा और काम करेगा। तो क्या ये प्रैक्टिकल है या क्या ये मतलब के मुझे तो नहीं लगता कि ये प्रैक्टिकल है, और देखते हैं कि अगर ये ऐसा कुछ अमेजोन लॉन्च करता है तो कब करता है और कितना चलता है ये जो अमेजोन का एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट सॉफ्टवेयर या फिर प्रोडक्ट गैजेट आप बोल सकते हैं। दोस्तों अगली टेक्न्यूज की बात करें तो अगली टेक्न्यूज आती है नोकिया की तरफ से। तो नोकिया 9 और नोकिया 2 जो कि नोकिया के दो नए स्मार्टफोन्स है वो लीक्ड हो चुके हैं, और लीक्ड स्पेक्स से पता चलता है कि नोकिया 9 जो है वो एक हायर वर्जन वाला नोकिया फ़ोन होगा जो कि नोकिया 8 के बाद जो फीचर्स नोकिया 9 प्रोवाइड करेगी, और नोकिया 2 जो होगा वो होगा एक लोअर वेरिएंट का फ़ोन जो कि नोकिया 3 से भी चीप होगा और शायद 6000 रुपीज़ के आसपास नोकिया 2 की प्राइसिंग होगी। तो नोकिया 2 को साइड में रखते हैं और नोकिया 9 की बात करते हैं, तो नोकिया 9 में लीक स्पेक जो सामने है वो यही आई है कि 3D ग्लास बैक हो सकता है, OLED डिस्प्ले हो सकता है, डुअल कैमरा सेटअप हो सकता है, 6GB 4GB 8GB की रैम वगैरह हो सकती है, और उसके साथ 128GB 256GB बहुत सारे स्टोरेज ऑप्शंस भी हो सकते हैं। तो ये सब तो लीक्स है। 5.5 इंच की एक डिस्प्ले जो कि OLED भी हो सकती है, स्नैपड्रैगन का 835 का प्रोसेसर और वाटर रेजिस्टेंट, डस्ट रेजिस्टेंस वगैरह वगैरह तो लीक होकर सामने आई है, लेकिन हर रोज़ जो कि है ये नोकिया के फ़ोन्स लीक होकर सामने आती है। तो कौन सा फ़ोन लॉन्च होगा सच्ची में और कौन सा झूठ है, तो ये सब तो हम बोल नहीं सकते। तो जब नोकिया इसको ऑफिशियली लॉन्च करेगा तभी हम इसको देख लेंगे। दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट आखिरी टेक्न्यूज की बात करें तो आखिरी टेक्न्यूज आती है Xiaomi की तरफ से। तो Xiaomi का जो एक नया स्मार्टफोन है वो Geekbench यानी कि GFX बेंचमार्किंग टेस्ट में लीक होकर सामने आई है। तो ये जो स्मार्टफोन है इसके अंदर आपको 5.6 इंच की एक फुल HD डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, स्नैपड्रैगन का 835 का चिपसेट देखने को मिल जाएगा, एड्रिनो का 540 का GPU, 6GB की रैम, 256GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाएगा, और उसके साथ आपको 12 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाएगा। तो ये जो स्मार्टफोन लीक होकर सामने आई है GFX बेंचमार्किंग टेस्ट में, तो इससे पता चलता है कि ये जो स्मार्टफोन है ये Mi Mix 2 का जो 256GB का वर्जन वो भी हो सकता है, क्योंकि इसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो काफ़ी मैच करती है Mi Mix 2 जो स्मार्टफोन कुछ दिन पहले चाइना में Xiaomi ने लॉन्च कर दिया था। तो देखते हैं कि क्या ये स्मार्टफोन जब लॉन्च होगा ये Mi Mix 2 का अगला वर्जन होता है या फिर Mi Note 3 Pro होता है जो कि बहुत दिन से लीक्ड हो रही है। तो उम्मीद है कि ये Mi Mix 2 का 256GB का वर्जन हो सकता है या फिर Mi Note 3 Pro हो सकता है, तो कोई ना कोई एक स्मार्टफोन तो होगा ही जो कि लीक्ड होकर सामने आ रही है। तो दोस्तों आज के इस डेली टेक न्यूज़ वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको आज का ये डेली टेक न्यूज़ वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं रोज़ आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल टेक वीडियोज़ लाता रहता हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज एंड सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। We'll